अजीबोगरीब जगहों के बारे में सुना होगा। हर जगह का एक अलग ही रहस्य होता है। कुछ जगहें भूतिया होती है और उसी के कारण वह मशहूर होती है, तो कुछ जगह पुरातन होने की वजह से मशहूर होती है, और कुछ तो उनके नैसर्गिक सौंदर्य की वजह से मशहूर होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो निसर्गतः सुंदर है, पुरातन भी है, और कुछ लोगों की माने तो वह भूतिया भी है, और श्रद्धालुओं के लिए वह श्रद्धा का स्थान भी है। उस जगह का नाम है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील का नाम सुनते ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी उस जगह पर गया है और रात में उस जगह पर रुके हैं, उनकी तो मानो रूह कांप उठती है। रूपकुंड झील हिमालय की लंबी लंबी चोटियों से फिसल कर नीचे आई हुई बर्फ से बनी हुई है। दूसरी भाषा में कहे तो ये झील अनेकों ग्लेशियरों के गर्मियों के मौसम में पिघलने की वजह से बनी है। ये झील उत्तराखंड में स्थित है। यह झील 5,029 मीटर यानी कि 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ की ग्लेशियर है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही दुर्गम है। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल माना जाता है, इसलिए यह जगह एडवेंचर और ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए पसंदीदा जगह है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफी चर्चित रहती है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, इस झील के आसपास की सारी बर्फीली चट्टानें और ग्लेशियर्स पिघलकर नीचे आती है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद नरकंकाल हर जगह पर दिखाई देने लगते हैं, और ये नज़ारा बेहद ही डरावना दिखता है। यहाँ तक कि झील के तले में गिरे हुए नरकंकाल भी बड़ी ही आसानी से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नरकंकाल 1942 में एक रेंजर H.K. मधवल द्वारा खोजा गया था। तब से आज तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के कंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक टीम द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्होंने 30 से भी ज़्यादा नरकंकाल खोज निकाले थे। यहाँ पर इतने सारे नरकंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग तथ्यों के आधार पर कहानियाँ प्रचलित हैं। पहला तथ्य है ओलों की एक भयंकर बारिश। 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ हुई ओलावृष्टि में फंस गया था, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। जब हड्डियों के एक्सरे निकाले गए और अन्य टेस्ट लिए गए, तब पाया गया कि हड्डियों में दर्दनाक दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल जितनी बड़ी साइज के बराबर ओले रहे होंगे। वहाँ कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना 850 एडी के आसपास की रही होगी। दूसरा तथ्य है रास्ता भटकते हुए सैनिक। एक दूसरी किंवदंती के मुताबिक तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन चलते चलते वो रास्ता भटक गए और खो गए और कभी भी नहीं मिले। हालांकि यह एक फिल्मी प्लॉट जैसा लगता है, पर यह मिलने वाली हड्डियों के बारे में यह कथा भी खूब प्रचलित है। और तीसरा तथ्य यह है कि नंदा देवी का प्रकोप। अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम था जसथावल, वो राजा नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों और ऋषियों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी के दर्शन को जाने के लिए मना किया था, जैसे कि तय था इस तरह के जोर शोर से और दिखावे वाले समारोह से नंदा देवी नाराज हो गई और देवी ने सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया गया। मिले हुए अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। ये कहानी अगर आप रात में वहाँ के स्थानीय लोगों से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो ये थे वो 3 तथ्य रूपकुंड झील के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।